संविधान से भी धोखा कर दिया, संविधान की शपथ ली और पलट गए, इसका विरोध उसका समर्थन, और दूसरी बात हिंदुओं के साथ भी खेल कर दिया। मैं पूछ रहा हूं संजय चौधरी जी से कि 0.03 पैसे में कितना बड़ा लड्डू बांटेंगे, एक आदमी को कितना देंगे, इतनी बड़ी नुक्ती देंगे इतनी बड़ी, या उसके भी इतने थोड़े टुकड़े कर देंगे, या क्या कैसे देंगे, मतलब लड्डू कितना बड़ा बनवाएंगे। हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। योगी सरकार यूपी के हर एक जिले को 1,00,000 रुपए दे रही है मंदिर में पूजा पाठ कराने के लिए। इस पर आसिम वकार ने बहुत सटीक तरीके से जवाब दिया और एक किस्सा भी सुनाया, लेकिन यूपी सरकार के आगे दो सवाल भी खड़े कर दिए। क्या है वो सवाल, आप लोग खुद ही देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। वकार साहब, तो सरकार अब अखंड रामायण का पाठ और दुर्गा सप्तशती जी का भी पाठ कराएगी, इस फैसले को आपकी पार्टी किस दृष्टिकोण से देखती है? सर, मसला सिर्फ ये है कि 1,00,000 रुपए हर जिले में दिए जा रहे हैं। अब लखनऊ जिले की बात कर लूँ, मैं लखनऊ में रहता हूँ, यहाँ लगभग कम ज़्यादा करके अगर देखिएगा तो करीब 30 से 32 लाख हिंदू रहते हैं लखनऊ में। 1,00,000 रुपए जिलाधिकारी साहब को दिए इन्हीं ने, इतना बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए, 10 पैसे प्रति हिंदू भी नहीं आ रहा है प्रसाद का, 1 पैसे प्रति हिंदू प्रसाद नहीं आएगा, 1 पैसे 0.033 पैसे प्रति हिंदू। सांकेतिक है ना, कुछ लोगों को प्रसाद मिलेगा, सबको थोड़ी मिलेगा। नहीं नहीं सर, बात समझिए, भगवान का अपमान, सांकेतिक है ये। नहीं नहीं, ये तो इंसल्टिंग फैसला है हिंदू कौम के लिए। ओह माय गॉड, अब मैं मुसलमान अगर हूँ, मैं मुख्यमंत्री होता और मुझसे कहा जाता तो मैं तो 1,00,000 रुपए एक जिले में दे देता, 100,00,000 रुपए भी दे देता, लेकिन सर ये योगी जी ने ये क्या किया है समझ में नहीं आ रहा है। आपसे फैसला पच नहीं रहा, आप भड़काने की कोशिश कर रहे हो। सर मैं तो कितनी ईमानदारी से बात करता हूँ, मैं तो ईमानदारी की बात बोल रहा हूँ। अब आप ये बताइए कि 0.03 पैसे में कौन सा प्रसाद लेके आएंगे आप, डीएम साहब कहाँ से खरीदेंगे, एक आदमी को कितना देंगे, इतनी बड़ी नुक्ती देंगे इतनी बड़ी, या उसके भी इतने थोड़े टुकड़े कर देंगे, या क्या कैसे देंगे, मतलब लड्डू कितना बड़ा बनवाएंगे। दूसरी बात सर, सरकार का कोई धर्म नहीं होता, सरकार सेकुलर होती है, धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष होती है। मुख्यमंत्री जब शपथ ले लेता है मुख्यमंत्री पद की, तो मुख्यमंत्री का भी कोई धर्म नहीं रहता। तो अभी 100 करोड़ क्यों कह रहे थे कि आप मुख्यमंत्री होते तो 100 करोड़ दे देते। जवाब दे रहा हूँ सर, आपने क्या शपथ नहीं ली थी? जवाब तो दे दीजिए। अबे साले, तभी मेरे माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। कोई मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेने के बाद सरकार का मुखिया एक धर्म का विरोध और दूसरे धर्म का पक्ष कैसे ले सकता है, ये तो संविधानिक काम ही नहीं हुआ, ये तो आपने कसम तोड़ दी अपनी। अब बताइए, समझिएगा, संविधान से भी धोखा कर दिया, संविधान की शपथ ली और पलट गए, इसका विरोध उसका समर्थन, और दूसरी बात हिंदुओं के साथ भी खेल कर दिया। मैं पूछ रहा हूं संजय चौधरी जी से कि 0.03 पैसे में कितना बड़ा लड्डू बांटेंगे, देंगे समय 1 किलो वाला लड्डू मिलेगा वकार साहब। हाँ नहीं, ठीक बात, इनको अलग एक मिनट सर। हाँ, इसका मतलब फिर तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होगा, भ्रष्टाचार होगा। आसिम वकार को 1 किलो का लड्डू और बाकी हिंदू को एक बूंदी भी नहीं देंगे आप? गजब टू बी आजाद। A few inches later. आजादी के बाद पहली बार ऐसी कोई सरकार है जिन्होंने हिंदुओं के लिए ये किया है और एक सुनहरा अवसर आया है, नहीं तो अनेक सरकारें आई और मुस्लिम तुष्टिकरण में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वो इफ्तार पार्टी तो कराती थी सरकारी खर्चे पे, वो हज हाउस तो बनाती थी लेकिन हिंदुओं को उपेक्षा करती थी। फिर अभी वकार साहब कह रहे थे 1,00,000 रुपया, ये ठीक है कि बिल्कुल जाना चाहिए 10-10 करोड़ रुपया, लेकिन जब कोई कार्य का शुरुआत होता है सनातन धर्म में तो 11 रुपया 21 रुपया दिया जाता है शुभ के लिए, कि शुभ के लिए। देखिए आसिम वकार ने जो मुद्दा उठाया उसको एड्रेस किया जाना चाहिए कि भैया 1,00,000 रुपया में 32 लाख हिंदुओं को प्रसाद कैसे आएगा, 0.003 पैसा आ रहा है। आसिम वकार आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपको देख के मचल जाते हैं, वो कहिए वकार साहब। चक्रपाणी महाराज जी ने अभी कहा कि पिछली सरकारें ये कराती थी वो कराती थी, यही तो बीजेपी कह रही थी, इफ्तारी यही तो बीजेपी कह रही थी, और यही बीजेपी के नेता कहते थे, मंत्री कहते थे कि वो रोजा अफ्तार फला करा देता है, फला ये करा देता है, फला ये करा देता। जितनी सरकारें हैं क्या वो धार्मिक आयोजन नहीं करती है? करती है, लेकिन दूसरे धर्मों का विरोध नहीं करती है, सब धर्मों को बराबर देखती है, यही संविधान की शपथ है। लेकिन आप पता नहीं, आप स्वामी हैं आप,
सर आप तीन पैसे का विरोध कर रहे हो कि संविधान के दृष्टिकोण से देख रहे हो? दोनों तरीके से। जो आदमी संविधान की शपथ ले रहा है कि उसके लिए सब बराबर, थैंक यू, वो एक को गाली कैसे बक सकता है, एक को बुरा कैसे कह सकता है? सही पकड़े हैं। बीजेपी प्रवक्ता से पूछा, जाति पंथ मजहब के आधार पर कार्यक्रम को संविधान में मंजूरी नहीं दी जाती, तो इस सवाल पर भी बीजेपी प्रवक्ता हिंदू मुसलमान करने लगा। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की सरकार जो करने जा रही है और जिस प्रकार का आदेश जारी किया गया है, संवैधानिक दृष्टिकोण से ये कई सवाल उत्पन्न करता है। सिर्फ एक जाति पंथ मजहब के आधार पर कोई कार्यक्रम या इस तरह के आयोजनों को संविधान में मंजूरी नहीं दी जाती, ये इस तरह का कृत्य करके आप कोई राजनीतिक स्कोर सेटल करना चाहते हैं? देश के अंदर हज पर सब्सिडी दी जाना स्वीकार है, अगर इस देश के अंदर हज हाउस बनाना स्वीकार है, अगर इस प्रदेश के अंदर समाजवादी श्रवण यात्रा स्वीकार है, अगर बंगाल के अंदर मेरे कांग्रेस के मित्र और मेरे लेफ्ट के मित्र मिलकर दुर्गा पूजा सरकार के पैसे से वहां के क्लबों को देकर कराना स्वीकार करते हैं, लेकिन आपके पहले कभी शासनादेश जारी करके या बजटरी प्रोविजन करके इस तरह के आयोजन नहीं कराए गए, ये अपने आप में एक अलग उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है और यही सवाल उत्पन्न कर रहा है। अलग उदाहरण नहीं है, बंगाल में अगर वहां के क्लबों को सरकार पैसा दे रही है दुर्गा पूजा कराने के लिए, सरकार अपने बजट से दे रही है, तो मुझे लगता है कि वहां क्लब को दे रही है ना, यहाँ आप तो सीधे जिला अधिकारी से कह रहे हैं कि पाठ कराइए, आप तो यहाँ डीएम को आदेश दे रहे हैं, क्लब को नहीं। अच्छा, हज की सब्सिडी किसको दे रहे हैं? हज की सब्सिडी की मॉनिटरिंग भी तो सरकार की एजेंसी कर रही है। आपके पास एक हज बोर्ड है, वो करता है, कोई प्राइवेट डायरेक्ट नहीं करते, बोर्ड करता है। इस काम के लिए आपने कोई बोर्ड जल्दबाजी में नहीं बनाया, एक बोर्ड बना देते। अब सुनिए किस्सा। कि सब सम्मानित बैठे हैं, मैं मतलब कोई भी मेरी बात को अपने पर ना ले, मैं किस्सा सुना दूं सर एक? हाँ बोलिए। एक बार एक घोड़े में और गधे में बहस हो गई। गधा कहने लगा कि कौवा सफेद होता है, घोड़ा कहने लगा कौवा काला होता है। बहुत देर बहस फंसी रही, घोड़े ने बहुत से फोटो दिखाए कौवे के, उड़ते हुए वीडियो दिखाए, गधा मानने पर तैयार नहीं करी, कौवा सफेद होता है। घोड़ा कहने लगा नहीं भाई, कौवा काला होता है। मामला पहुंच गया राजा साहब के पास। राजा साहब के सामने पहुंचे, घोड़ा ने कहा साहब ये अजीब आदमी है, ये गधा कह रहा है कौवा सफेद होता है, मैं कह रहा हूँ काला होता है, अब आप ही फैसला कीजिए। राजा साहब ने गधे से कहा तुम घर जाओ, और सिपाहियों से कहा घोड़े को जेल में डाल दो, इनके 100 कोड़े मारो। तो घोड़ा कहने लगा साहब मेरी क्या गलती थी, मैं तो सच बोल रहा हूँ। कहने जब तुम जानते थे गधा है, तुम इससे बहस ही क्यों कर रहे थे? तुम्हें बहस ही नहीं करना चाहिए थी, तुम्हें इस बात की सजा दी जा रही कि तुम बहस कर रहे थे। थैंक यू। चौधरी जी हंस रहे हैं, वो बात का जवाब ही नहीं दिया नहीं ना आपने। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।